गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जिस सर में। आज 31 अगस्त और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते देखिए आज की अपडेट क्या है। 2 माह से सरकारी शिक्षक 50 से ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझे, नतीजा 20% कोर्स भी पूरा नहीं। शिक्षक संगठन पदाधिकारी बोले गैर शैक्षणिक कार्य नहीं तो 40% कोर्स करा देते। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की परीक्षा में आधे शिक्षक फेल, चयन परीक्षा में 52.58 शिक्षक व 42.86 प्रिंसिपल नहीं हुए पास। सितंबर में होंगे इंटरव्यू, संविदा पर भी खाली रहे पद। स्कूलों में 31 जुलाई के आधार पर गिनेंगे उम्र, 3 लाख बच्चे लाभान्वित। प्राइमरी व मिडिल लेवल की आयु सीमा गणना में 4 माह की बढ़ोतरी। शिक्षक भर्ती 2016 लेवल 2 के 719 पद अब तक भी खाली। अजमेर जिला शिक्षा विभाग के पास अब 1842 में से बचेंगे 851 स्कूल, 12 में से 6 ब्लॉक अजमेर में रहेंगे। केकड़ी में 454, व्यावर में मसूदा व जवाजा के 537 स्कूल जाएंगे। पुनर्भरण राशि की किस्त नहीं मिलने से निजी स्कूल 8वीं पास छात्रों को नहीं दे रहे हैं टीसी। आरटीआई पुनर्भरण का मामला, टीसी के अभाव में 9वीं में विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है प्रवेश। 4 साल से नहीं बढ़ा स्कूली खिलाड़ियों का भत्ता, चाय नाश्ता दोनों समय के भोजन के लिए दे रहे हैं महज ₹150। 5 साल बाद भी प्राइमरी स्कूल जैसा चल रहा है कॉलेज, 5 कक्षा 3 लेक्चरर। चित्तौड़गढ़ योग ओलंपियाड, 20 सेकंड सांस रोकने पर मिलेंगे 2 अंक। शिक्षा विभाग अक्टूबर में कराएगा आयोजन, जिला व राज्य स्तर तक जाएगी टीम। कैसे बढ़ेगी बेटियां, राजकीय गर्ल्स कॉलेज की 3000 से ज़्यादा छात्राओं के लिए पर्याप्त शिक्षक ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल सुविधा भी बंद पड़ी। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही लिख दिए नंबर, मनमर्जी से लिख दी जन्म दिनांक। शिपू भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन से पहले का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया, दस्तावेज सत्यापन में खुलासा। शिक्षक भर्ती 2016 में लेवल 2 के 719 पद अब तक भी खाली। जलदाय विभाग भर्ती की मांग को लेकर 5 सितंबर को प्रदर्शन। 20 शिक्षकों की भर्ती होगी, मंजूरी के लिए यूनिवर्सिटी ने रोस्टर राज्य सरकार को भेजा। आरटी में प्रवेश नहीं देने वाले 24 स्कूलों की एनओसी निरस्त करने की सिफारिश, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निदेशालय को लिखा पत्र, निजी स्कूलों के ने किया विरोध। खेल कार्मिक विभाग के बीच फुटबॉल बना संशोधन प्रस्ताव, खेल नीति भर्तियों में फर्जी सर्टिफिकेट का मामला। बेरोजगारों को भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर का इंतजार, आचार संहिता लगने का सता रहा है डर। आरएसईबी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फेक कैलेंडर, बोर्ड ने कहा आधिकारिक वेबसाइट की सूचना को सही माने। शिक्षक भर्ती लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट सितंबर में, 21,000 का सपना होगा साकार, शेखावाटी के हजारों युवा कर रहे हैं इंतजार। 24 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की विभाग को भेजी सिफारिश, आरटी के तहत नहीं दिया प्रवेश, 100 से अधिक स्कूलों को जारी किए थे नोटिस। जयपुर में पहली बार बड़ा एक्शन, जूनियर ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 25 सितंबर अंतिम तिथि। ना अपनी बिल्डिंग ना टीचर, ऐसे में पढ़ रहे पेट्रो इंजीनियर्स आखिर 3 साल बाद अब मिला फंड। 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सत्र 2023-24 में प्रवेश प्रारंभ। जनरल को 13,972, एसटी स्टूडेंट्स को 101,264वीं रैंक पर मिली सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट। कृषि व हिंदी विषय के लिए काउंसलिंग 1 सितंबर को, प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा। 12वीं के वायरल कैलेंडर को फर्जी करार दिया कर्मचारी बोर्ड ने। 40 अंक का होगा सामान्य ज्ञान का पाठ, प्रदेश के बारे में जानकारी परखी जाएगी, प्रश्न पत्र में 5वां विकल्प भी। AEN मैकेनिकल भर्ती परीक्षा में कंसर्न सब्जेक्ट का भाग 110 अंकों का होगा। वरिष्ठ अध्यापक गणित अनुपस्थित, अभ्यर्थियों काउंसलिंग आज। नीट UG 2023 स्टेट काउंसलिंग के राउंड 2 में जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक 13,972। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का सुविचार। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो
तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। इसी के साथ दोस्तों आज का अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।